और अब चर्चा करेंगे कांकेर के जो है एक अफसर के रुतबे ने सबको हैरान करके रख दिया। इस अधिकारी का मोबाइल ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान बाकायदा चलाया गया, जलाशय को खाली करा दिया गया। मामले के तूल पकड़ने पर अधिकारी को सस्पेंड किया जा चुका है। गोताखोरों ने की तलाश, बात नहीं बनी तो पूरा का पूरा जलाशय कर दिया खाली। चार दिन तक चला रेस्क्यू अभियान और आखिरकार सफलता मिली। अधिकारी के गुम हुए मोबाइल का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। जी हाँ, मोबाइल का। अब तक आपने इंसानों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान सुने होंगे, लेकिन कांकेर में एक मोबाइल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये मोबाइल किसी आम आदमी का नहीं, एक अधिकारी का था। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास पिकनिक के लिए परलकोट जलाशय पहुंचे थे। यहाँ उनका महंगा मोबाइल पानी में गिर गया, जिसे ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। इसके लिए जलाशय खाली करा दिया गया, मोबाइल के लिए पानी बेकार में बहा दिया गया। ये मामला है रविवार को, जब मोबाइल गिरा तो रविवार और सोमवार दो दिन ऐसी लोकल लड़के लोग वहाँ पे तैर के अंदर जाके खोजने की कोशिश किए। चूँकि वो 10 फीट गहरा था इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो उनके द्वारा कहा गया कि अगर 2-3 फीट पानी ये टंकी का खाली किया जा सकता है तो मोबाइल निकल जाएगा। तो उन्हीं के कहे अनुसार वहाँ से 2-3 फीट पानी खाली किया जा सकता है करके मैं SDO साहब से भी इस बारे में चर्चा किया। SDO साहब बोले कि ठीक है, 4-5 फीट पानी आप खाली कर लो, क्योंकि वो नॉन यूजेबल पानी है, वो जलाशय वाला पानी नहीं था, ओवर होके जो आके टंक में पड़ा हुआ था पानी वो उस ओ वाला पानी था। तो वहाँ से फिर लगभग 3-1 फीट में पानी मशीन के द्वारा निकाल लिया जो डीजल से संचालित था, और मेरा मोबाइल वहाँ से फिर मुझे मिल गया। मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं था, 2 महीने पहले लिया था बोल के थोड़ा सा अखर रहा था कि चलो एक मोबाइल लिया हूँ नया और घूम गया है पानी के नीचे। हमको पता भी है कि कहाँ घूमा है, लोकेशन भी पता है, इसलिए उसको थोड़ा सा ढूंढने की मतलब वो किया जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल में कुछ बहुत खुफिया जानकारी, ऐसा सिंपल सा नौकरी करता हूँ, ऐसा कोई जानकारी उसमें ऐसा नहीं। विभागीय जानकारी जो रहता है, जो डे टू डे हमारा व्हाट्सएप में जो मैसेजेस वगैरह रहते हैं, वही सब था। अधिकारी के मोबाइल ढूंढने के लिए जलाशय का लाखों लीटर पानी बहा देना, अब सवाल खड़े कैसे ना हो। पूर्व CM रमन सिंह ने ट्वीट किया, लिखा, अधिकारी प्रदेश को पुश्तैनी जागीर समझ बैठे हैं। अधिकारी ने मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी बहा दिया, इतने में 1,500 एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी। News 18 ने भी मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद शासन प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर ने फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। बात CM भूपेश बघेल तक भी पहुंची, उन्होंने भी अधिकारी को सस्पेंड कर दिए जाने की बात कही। उसको सस्पेंड कर दिया गया। मोबाइल ढूंढने के लिए जलाशय खाली करवाना अधिकारी को महंगा पड़ गया। हालांकि अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन यू मोबाइल के लिए जलाशय खाली करवाना सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा करने की अनुमति इन्हें कैसे दी गई?